दोस्तों आपने ऑडी तो कई बार देखी होगी, लेकिन आखिर ऑडी किस देश की कंपनी है? जो ऑडी की कार आती है वह किस देश से आती है, फिर यह किस देश की कंपनी है, यहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसी बात को जानते हैं कि आखिर जो ऑडी कंपनी है यह एक जर्मनी की कंपनी है, मतलब कि यह एक जर्मन कंपनी है जो कि वर्ष 1909 में बनी थी। मतलब अगर ऑडी किस देश की कंपनी है इसके बारे में जाने तो यह एक जर्मनी कंपनी है, मतलब यह जर्मनी देश की कंपनी है और जर्मनी यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी बर्लिन है, और बर्लिन इस देश का मतलब जर्मनी का सबसे बड़ा शहर भी है बर्लिन। और अगर ऑडी तो हमने अब जानकारी प्राप्त कर ली है कि ऑडी एक जर्मनी की कंपनी है, और अगर हम इसके फाउंडर के बारे में बात करें तो इसके फाउंडर का नाम अगस्त हॉर्स है, मतलब अगस्त हॉर्स इसके फाउंडर हैं। अगर हम इसके उत्पाद की बात करें तो यह जो ऑडी कंपनी है यह मोटर वाहन ही बनाती है, मतलब कि इसके जो ज़्यादातर प्रोडक्ट हैं यह ऑटोमोबाइल कंपनी है एक जो कि लग्जरी कार ही बनाती है, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस भी है। और दोस्तों अगर ऑडी 110 देशों में अपना प्रतिनिधित्व किए हुए हैं, मतलब 110 देशों में यह अपनी जो कार है यह सभी सेल करती है, जो कि एक बहुत ही फेमस कंपनी है पूरे इंडिया में। अब हमने इसके बारे में जानकारी तो प्राप्त कर ली है कि जो ऑडी कंपनी है यह जर्मनी की कंपनी है, लेकिन भारत में यह कब आई थी इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी में बता देता हूँ कि जो ऑडी कंपनी है वर्ष 2007 में भारत में आई थी, जिसका मुख्यालय मतलब जो इंडिया ऑडी है इसका जो मुख्यालय है वो हुआ है मुंबई में है, और मुंबई महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा शहर है, इसके बारे में तो आप जानती होंगी, ये तो कोई बताने वाली बात है ही नहीं। तो जो ऑडी है यह एक जर्मनी की कंपनी, और इसके चेयरमैन या फिर जो फाउंडर कौन है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो।